तो हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। और भाई आज की जो वीडियो है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताया ना, और ये वीडियो तुम पूरा देखोगे तो मैं पक्का लिख के दे दूंगा तुम MP40 के लेजेंड्स बन जाओगे। तो भाई आज की जो वीडियो है, वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा। और ये चैनल में बहुत ही जल्द नया नया ऐसा ओपी लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आएगा। तो जो भैया मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और साइड पर जो रेड वाली बटन है ना, उसको भी दबा के बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, क्योंकि आपका जो भाई है ना, ऐसा नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो भाई आज की जो वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई फर्स्ट पॉइंट है सेंसिविटी सेटिंग। तो भाई सेंसिविटी सेटिंग के अंदर आपको दो चीज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट है जनरल और सेकंड है रेड डॉट। तो भाई आपके पास 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB रैम की डिवाइस है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जनरल है ना, जनरल को तुम 75 से 90 के बीच में ही रखो। और भाई उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है रेड डॉट, तो भाई मैं बोलूंगा रेड डॉट को तुम कर दो 65 से 85 के बीच में। तो भाई 85 तक ही रखो, ठीक है। तो भाई 85 से ज्यादा मत करो, क्योंकि ये OB28 अपडेट के बाद ना एक्यूरेसी बहुत ही कम हो गया। तो भाई 85 तक ही रखो, ठीक है। 85 से ज्यादा करोगे तो तुम कोई भी बंदे को फायर करोगे ना, गन में बहुत ही रिकॉइल करेगा, और भाई ड्रैग करोगे ना, फायर सीधा आसमान में चला जाएगा, हेड नहीं लगेगा। और भाई सेकंड पॉइंट है स्टैंड फायर। तो भाई ये वाला क्लिप पे देखो, मैं सीधा खड़ा हूँ और मेरे सामने एडम चाचा है, ठीक है, और मैं देखो ड्रैग कर रहा हूँ क्या ओपी लेवल की हेडशॉट। तो भाई आप लोग कौन सा गलती करते हो, ये जो जॉयस्टिक है ना, तो भाई जॉयस्टिक यूज करने के बाद ही तुम लोग क्या करते हो, ड्रैग करते हो, तो भाई ऐसा रिजल्ट मिलता है, ओनली बॉडी शॉट, और भाई हेडशॉट लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो भाई ऑलवेज एक चीज आपको फॉलो करना है, आपके पास कोई भी गन है, M500, डिजर्ट ईगल या MP40, थम्सन, ऐसा कोई भी गन है, ठीक है, तो भाई तुम बंदे को ड्रैग करने से पहले सीधा खड़ा हो जाओ, और खड़ा होने के बाद ही तुम बंदे को ड्रैग करो, बहुत ही ओपी लेवल की हेडशॉट तुम दे पाओगे। और भाई उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ड्रैग स्पेस। तो भाई आप लोग कौन सा गलती करते हो, ये जो फायर बटन है ना, तो भाई फायर बटन ऊपर रखते हो, ठीक है, तो भाई ऊपर रखने के बाद आप लोग ड्रैग करते हो ना, तो भाई ड्रैग करने के बाद ही ऐसा रिजल्ट मिलता है, तो भाई देखो बॉडी शॉट, और भाई हेडशॉट लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो भाई ये वाला क्लिप तुम बस फॉलो करो। तो भाई देखो मेरा फायर बटन नीचे कर दिया, ठीक है, और नीचे करने के बाद ही मैं बंदे को ड्रैग करूंगा, तो भाई देखो ड्रैग कर रहा हूँ क्या ओपी लेवल की हेडशॉट। तो भाई एक चीज आपको फॉलो करना है, ये जो फायर बटन है ना, तो भाई फायर बटन जितना हो सके तुम नीचे ही रखो, और भाई फायर बटन नीचे रखने के बाद तुम थोड़ा सा ड्रैग करो, बंदे को मक्खन की तरह हेडशॉट दे पाओगे, और भाई आपका जो ड्रैग स्पेस है ना, तो भाई ड्रैग स्पेस बहुत ही बढ़ जाएगा। और भाई उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है नूब वॉक। और भाई ये जो नूब वॉक ट्रिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो मेरे सामने एनिमी है, ठीक है, और मेरा जो जॉयस्टिक है, तो भाई देखो मैं जॉयस्टिक यूज करके बंदे को घुमा रहा हूं, और भाई मेरे सामने जो एनिमी है ना, तो भाई उसको लगता है मैं नूब हूं, ठीक है, और भाई उसको पता नहीं है मैं एक अच्छा ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। और देखो जिस टाइम वो बंदे मेरे को फायर करने के लिए आया था, और मैंने क्या किया, एक स्प्रे किया MP40 की, और स्प्रे करने के समय मेरा जॉयस्टिक मैं छोड़ दिया, और भाई वो बंदे को मैं रेड नंबर के साथ डाउन कर दिया। और भाई ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और ये ट्रिक तुम यूज कर सकते हो। तो भाई ये ट्रिक तुम यूज करोगे ना, तो भाई तुम्हारे पास ग्लूवाल होना चाहिए, तभी तुम ये ट्रिक यूज करोगे, नहीं तो ओपोनेंट बंदा तुम्हें डाउन करके लॉल दिखाएगा। तो भाई आज की जो वीडियो है, सबको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, और जो भाई मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो भाई है ना, ऐसा नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो भाई आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।